الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اوتھے جا کے پڑھنی بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے उते कम नी यार शफार शांदा सारा अमल उते तकड़ी तोल होवे ते हर एक दे सामने आ जाना जो जो मुंहों बोले या बोल होवे ओदे कोलों फरिश्तियां की पुछना खजाना तौहीद दा जिस दे कोल होवे मुख्तसर हमदो सना और दुरूदो सलाम देवा मेरे मोहतरम भाइयो यकीनन मेरे वास्ते बहुत बड़ी सआदत दी बात है ते कि अपने कायद के मरकज़ के अंदर पहली मरतबा हाजिरी का मौका मिले मैं चंद एक मारूजात तो साहबाब के सामने अर्ज करांगा अल्लाह ताला दी बेशुमार और ला तादाद सिफात दे विचों एक सिफत अल्लाह ताला दी ये भी है कि अल्लाह ताला मुस्कुराते ने अल्लाह ताला तबसुम फरमाते अल्लाह किवें मुस्कुराते ने जिवें असी कह के ला के हसने अल्लाह इंज नहीं मुस्कुराते अल्लाह उंज मुस्कुराते ने जिमें अल्लाह ताला दी शान दे लायक है अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मुस्कुराते भी ने और मुस्कुरान वाले अमल नूं पसंद भी फरमाते यही वजह है कि हदीस पाक के चंद है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों दो मुसलमान एक दूसरे नाल मुलाकात करन एक मुसलमान जदों खंदा पेशानी नाल मुस्कुरा के दूसरे मुसलमान नूं सीने ला लै अल्लाह ताला उस बंदे नूं सदके दा अजर अता फरमा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन कदों मुस्कुराते ने अल्लाह अपने महबूब बंदियां नूं अपने प्यारे बंदियां नूं वेख के मुस्कुराते और याद रखो जिहड़े बंदे नूं अल्लाह ताला देख के एक मरतबा मुस्कुरा देण अल्लाह उहदी जिंदगी दे सबका गुनाहां नूं माफ़ कर देंदे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं जहन्नम दी अग तो आज़ाद कर देते और ऐसा बंदा बगैर हिसाब तो अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान बन जाएगा जिहड़े खुश नसीब नूं वेख के अल्लाह ताला मुस्कुरा दे वो बड़ा खुश नसीब बंदा है हज़रात ये गल्लां सुनन दे बाद मेरे दिल अंदर भी ख्वाहिश पैदा होंदी है और तुहाडे दिल अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होंदी है कि काश असीं भी ऐसे बन जाइए कि अल्लाह ताला सानूं वेख के मुस्कुराण लग जाण साडे भी गुनाह माफ़ होण असी भी जहन्नम तो आज़ाद हो जाइए अगर चाहते हो ना लाहौरियो कि अल्लाह ताला तुहानूं वेख के मुस्कुराण लग जाण चंद एक मारूजात तवज्जो नाल समात फरमा लो मैं अर्ज करना चाहना अमाल ऐसे कि अल्लाह मुस्कुराए दो चार अमल मैं तुहानूं दसणे ने अगर तुसीं करो
अल्लाह ताला तुहानू वेख के मुस्कुराण लग जाण। सब तो पहले नंबर ते दुनिया दा ये दस्तूर है, बंदा उन्हूं वेख के मुस्कुरांदा है, उन्हूं वेख के खुश होंदा है जिहदे नाल बंदे नूं मुहब्बत होए, ते अल्लाह ताला भी उन्हूं वेख के मुस्कुरांदे ने जिहदे नाल अल्लाह नूं मुहब्बत। सब तो पहले सानूं चाहीदा है कि असीं अल्लाह दी मुहब्बत हासिल करिए, अल्लाह दा प्यार हासिल करिए। ते अल्लाह दा प्यार किवें मिलेगा, उहदा शॉर्टकट फार्मूला अल्लाह ताला ने सैते करीमा च बयान कीता जो मैं पढ़ीए, आओ जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, खालके कायनात दा कुरान इस बात दा ऐलान करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु غفور الرحیم। اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العالمین فرما دے نے محبوب سونیا اعلان کرو، دنیا والے نوں پیغام سناؤ، ان کنتم तुहिब्बून अल्लाह, जेड़े लोग चाहते ने साडा अल्लाह साढ़े ते राजी हो जाए, जेड़े लोगों की ख्वाहिश है अल्लाह का प्यार नसीब हो जाए, जेड़े चाहते ने असी अपने मालिक के महबूब बंदे बन जाइए, उन्हां लोगों नूं कह दिओ फत्ता बिओनी, मेरे नबी की इतबा करने वाले बन जाण, उन्होंने कहो ना वो तुहाडी पैरवी करिया करन। लाहौरियो कुराने पाक का मुतालिया करके वेखो, कुराने पाक अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मुकाम आपते लफ्ज़े इतात बोले है, इत्थे अल्लाह ने लफ्ज़े इतबा बोले है। इतात दा मानी मेरे नबी दा कहना मनना, जिथे नबी पाक दा फरमान आ जाए सर तस्लीमे खम करना। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजु वमा नहाकुम अनहु फमतहु वत्तकुल्ला इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। मेरा नबी जो दे उन्हों ले लिया करो, ते जिथों मेरा नबी तुहानू रोक देवे उथों रुक जाया करो, बाद आ जाया करो। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, ये है मेरे नबी दी इताअत, ये है मेरे नबी दी ताबेदारी। मुसब्बर खैंच वो नक्शा कि जिसमें ऐसी सफाई हो, उधर फरमाने मुहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो, ये है मेरे नबी दी इताअत। इत्थे अल्लाह ताला ने लफ्ज़े इत्तेबा बोलिया, फरमाया मेरे नबी दा तरीका इख्तियार करो, यानी नमाज उस अंदाज नाल पढ़िया करो जिवें आमिना दे लाल ने पढ़ीए, सदका उस अंदाज नाल करना है, हज उस अंदाज नाल करना है, उमरा उस अंदाज नाल करना है जिवें मेरे पैगंबर ने कीता है, तरीका मेरे नबी दा अपनाना है। और तुसी इस बात तो बड़ी चंगी तरह वाकफ जे कोई अमल भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर उदों कबूल किया जाता है जदों मेरे पैगंबर की सुन्नत के मुताबक होए, मेरे नबी दे तरीके दे मुताबक होए। अल्लाह ताला फरमाते ने लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह फरमाते ने तहकीक असा अपने पैगंबर की जिंदगी तुहाडे वास्ते नमूना बनाईए, तुहाडे वास्ते आइडियल बना के पेश कीती है, उस वैसना बनाया है। लाहौरियो जिंदगी दे जिस शोबे नाल भी ताल्लक रखते जे मेरे नबी दी सीरत अपना लो, तुसी कामयाब हो जाओगे, तुसी कामरान हो जाओगे। अल्लाह दे रसूल दा तरीका इख्तियार कर लो, अज गैरां दे तरीके अपना दे जे, नबी पाक दा तरीका छड़ के यहूदो नसारा दे तरीके ते जांदे जे, मुशरकीन दे तरीकियां ते जांदे जे, सिखां और ईसाइयां दे तरीकियां ते जांदे जे। याद रखो जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर दा तरीका छड़ के गैरां दा तरीका अपनाए, नबी पाक फरमाते ने साडे विचों ही नहीं है, साडा उहदे नाल ताल्लुक ही नहीं है, वह बंदा मेरे नबी की निस्बत तो फारग हो गया है, मेरे नबी की सिफारिश तो महरूम हो गया है। इस वास्ते सोने वीरा छड़ दुनिया के तरीके, ते आ मेरे पैगंबर का तरीका अपना लै, मेरे नबी का तरीका अपना लै। नबी पाक का तरीका कल नमाज अंदर ही नहीं अपनाना, सिर्फ हज ज़कात के मामले च ही नहीं अपनाना, बल्कि जिंदगी दी हर शोबे अंदर मेरे नबी का तरीका अपनाना है। अल्लाह
अल्लाह ताला ने ईमान वालियां वास्ते मेरे नबी नू आइडियल बनाया है। अज मेरे नबी नू छड़ के नचण वालियां नू अपना आइडियल बना लैंदे जे, गाण वालियां नू अपना आइडियल बना लैंदे जे। अल्लाह वालियो मेरे नबी नू अपना आइडियल बनाओ। तुसी मेरे नबी दे तरीके अंदर कमी कड़ी वेखी, तुसी मेरे नबी दी अल्लाह अकबर अदावां दे अंदर कमी कड़ी वेखी, जो नबी पाक दा तरीका छड़ के गैरां वाले पासे चल पै। जानदे हो अगर दुनिया दे अंदर किसी होर नाल प्यार पाओगे, किसे गैर दा तरीका इख्तियार करोगे, क़यामत वाले दिनों दे नाल खड़े कीते जाओगे। अगर दुनिया अंदर मेरे नबी दा तरीका अपनाओगे, तुसी कामयाब हो जाओगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है, आका फरमांदे ने, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी काना माई फिल जन्ना। दुनिया कायनात दे लोगो, जेड़े बंदे ने मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता, मेरे तरीके नाल प्यार कीता, गोया उस बंदे ने मेरे नाल प्यार कीता, ते जिन्ने मेरे नाल प्यार कीता काना माई फिल जन्ना, वो जन्नत च मेरे नाल होएगा, उन्हों जन्नत दे अंदर मेरे नबी दा पड़ोस अता कीता जाएगा, जेड़ा मेरे नबी दा तरीका इख्तियार कर ले। लिहाजा आओ ना अदावा कमली वाले दियाँ अपनावो। अल्लाह अकबर, एडियां सोहणियां अदावा मेरे पैगंबर दियाँ। अगर तुसी थोड़ा जा तवज्जो करो ना, ते मैं तुहाडे सामने तुहाडे ज़ौक नू दुबाला करन वास्ते एक मुहब्बत दा तराना तुहानू सुणावां। अल्लाह अकबर। मैनू बड़ा अफसोस होंदा है उन्हां लोगों ते जिहड़े मेरे नबी दा तरीका छड़ के गैरां वाले पिछे गैरां दे पिछे चल पैंदे ने। अल्लाह दे बंदिया, मेरे नबी दे तरीके अंदर कड़ी कमी वखी है? अल्लाह दी कसम चुकिया ना, दुनिया दे किसे बंदे दे पिछे लग जा, कोई गरंटी नहीं कामयाबी दी। मेरे पैगंबर दा तरीका इख्तियार कर लै, तू कामयाब हो जाएगा, तू कामरान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी नू हर लिहाज नाल कामिल व अकमल बनाया है, हर लिहाज नाल अशरफ व आला बनाया, पूरी कैनात तू बुलंदो बाला बनाया है। मैं क्या करना वा, अदाएं आपकी वफाएं आपकी, अदाएं आपकी वफाएं आपकी, अदाएं आपकी बड़ी कमाल है, वहां से हैं शुरू नबी की अजमतें, वहां से हैं शुरू नबी की अजमतें, जहां पे सोच भी बड़ी मुहाल है, अदाएं आपकी उनकी हर एक अदा को खुदा ने देखो कैसे सजाया, उनकी मिदहत में सारे का सारा रब ने कुरान बनाया। अंधेरे खो गए उजाले हो गए, अंधेरे खो गए उजाले हो गए, मेरे हुजूर का ऐसा जमाल है, अदाएं आपकी उनकी उंगली का कर गो इशारा, चांद कदमों में आए हुक्म कर दे जो आका दोबारा, फिर से जुड़ के दिखाए था ऐसा मोजज़ा मेरे हुजूर का, था ऐसा मोजज़ा मेरे हुजूर का, नहीं जहान में मिलती मिसाल है, अदाएं आपकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, फत्ता बियोनी मेरे नबी दी इत्तबा करया करो। अल्लाह सोणिया, अगर सोने नबी दी इत्तबा करांगे की मिलेगा? अल्लाह फरमांदे ने, यो हो बिहुकुमुल्लाह, अगर तुसी मेरे नबी दी पैरवी करो ते मैं अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करन लग जावांगा, मौला करीम तुहानू अपना महबूब बंदा बना लैणगे। ते पता है लाहौरियो, जदों अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा ते पहला इनाम की लभेगा? अल्लाह फरमांदे ने, वयागो फिर लकुम जुनू बाकुम, अल्लाह तुहाडे सबका सारे गुनाहां नूं माफ़ कर देणगे, अल्लाह तुहाडियां गलतियां ते तुहाडे ऐबां ते रहमत दा कलम फिर छड्डणगे। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों,
अल्लाह की मुहब्बत हासिल करनी है फिर मेरे नबी का तरीका इख्तियार कर लो। आओ जरा मैं उन्होंने खुश नसीब लोगों का तस्करा करा जिन्होंने वेख के मेरा अल्लाह मुस्कुराण लग पैंदा है। पहला खुश नसीब तुसी जिन्ने आए बैठे हो मरकज आजादी अंदर मैनु उम्मीद है अकीदा तौहीद वाले बैठे जे खुशकिस्मत जे तो सानू खुशखबरी सुना के जावा। पहला खुश नसीब जिन्हों अल्लाह वेख के मुस्कुराते ने अकीदा तौहीद वाला अल्लाह की जनाब वहदानियत दा इकरार करने वाला जिहड़ा अल्लाह की दात नाल शिरक नहीं करता। अल्लाहु अकबर दुख होवे सुख होवे गम दा वक्त होवे जिवें दे मर्जी हालात हो जावन अल्लाह की दात नाल शिरक नहीं करता क्योंकि इन शिरक लज़ुल्म नाज़ीम शिरक बहुत बड़ा जुलम है बहुत बड़ी जहालत है बहुत बड़ी नाफरमानी है। अल्लाहु अकबर जिहड़ा बंदा अकीदा तौहीद वाला अल्लाह दे नाल बड़ा प्यार कर दे जे अल्लाह दे नाल बड़ियां मुहब्बतां कर दे ने लाहौरिया हालात जिवें दे मर्जी आ जावन अल्लाह दा ना है अल्लाह दी दात नाल शिरक कदी ना करी। ला तुशरिक बिल्लाहि शैया तेनू जला दिता जाए तेनू कट दिता जाए तेरे जिस्म नू टुकड़े टुकड़े कर दिता जाए अल्लाह दी दात नाल शिरक नहीं करना। अल्लाह दी बारगज प्रोटोकॉल बड़ा लभेगा मुकामो मरतबा बड़ा लभेगा इज्जत बड़े लभेगी। अल्लाह अकबर मुशरकां दी इज्जत कोई नहीं जे मुशरकां दी इज्जत होंदी नमरूद दे सिर च जुतियां कदी ना वजदियां मुशरकां दी इज्जत होंदी करहुन नू जनाब खजानिया समेत जमीन अंदर ना दनसाया जांदा। अगर मुशरकां दी इज्जत होंदी ते फिरौन जैसा जिहड़ा अपने आप नू रब कहिंदा सी उहनू गोते दे के जमीन जिहड़ा पानी दे अंदर ना मार दिता जांदा। इज्जत तौहीद वालियां दी ए वकार तौहीद वालियां दा ए एवें छोटियां छोटियां गल्लां ते घबरा ना जाया कर परेशान ना होया कर। बरादरी वाले गल्लां करदे ने रिश्तेदार गल्लां करदे ने मुआशरे दे अंदर लोग अजीब तरह दियां बातां बणांदे ने नहीं घबराना नहीं परेशान होना। अल्लाह अकबर इस्तकामत इख्तियार करनी है अकीदा तौहीद ते डट जाना है। अल्लाह अकबर इज्जत बड़ी लभनी है प्रोटोकॉल बड़ा मिलना है। कल कियामत दा दिन होएगा अल्लाह की अदालत लगेगी अल्लाह की अदालत अंदर मैदान माशर अंदर लोग गरो दर गरो बन के गरो दर गरो आ रहे होंगे। एक बहुत बड़ा लश्कर अहले तौहीद दा लश्कर अल्लाह की वहदानियत दा इकरार करने वाले दा लश्कर आएगा। अल्लाह अकबर घबरा जांदे हो अज निक्कियां निक्कियां गल्लां ते ओए यार सच्ची गल ते वे साढ़े ते मुश्किल आई कोई नहीं साढ़े ते एडी कोई वड्डी मुसीबत आई कोई नहीं। जानना है अल्लाह दी तौहीद दी वजह करके कई इंज दे दुनिया तू गुजर गए जिन्हां दे सिरां ते लोहे दे आरे ही चला दिते गए कई इंज दे भी गुजर गए उन्हां दे बदन अंदर लोहे दियां मेखां रोप दित्तियां गईयां कई इंज दे गुजर गए मार के जनाब गरम सलाइयां खंदे अंदर ते अखां ही कढ दित्तियां गईयां। मेरे नबी दी सहाबी दे बदन दे दो टुकड़े कर दिते गए किते मेरे खुबैब नू सूली ते चढ़ा दिता गया किते खबाब नू अंगारियां ते लिटा दिता गया किते मेरे नबी दे चचा हज़रत अमीरे हमदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मानू अल्लाहु अकबर जिस्म दे एक एक जो जुनू अलहदा कर दिता गया। मैनू दस लाहौरिया मेरे नबी नू तैफ वाले पत्थर मारे ते किस वजह करके मारे मेरे नबी दी कमर ते ओजरी रखी ते क्यों रखी गई मेरे नबी दे गले च साफे पाए ते क्यों पाए गए मेरे नबी दी बेटी दे पेट इतने दा मारिया ते क्यों मारिया गया। दस मैनू बिलाल नू क्यों जनाब मारियां दित्तियां गईयां ओए अल्लाह दी तौहीद दी वजह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन दी वहदानियत दा ऐलान करन दी वजह करके। ना घबराया कर ना परेशान होया कर कयामत दा दिन होएगा एक बहुत बड़ा गिरोह एक जगह ते रुक जाएगा ठहर जाएगा आवाज आएगी तुसी अगे क्यों नहीं पियांदे की मसला अगे क्यों नहीं बढ़दे। ये अहले तौहीद दा गिरोह ये कहणगे जी असी अपने अल्लाह दे हुक्म दे इंतजार अंदर हां अल्लाह दा डर आएगा असी अगे चल पवांगे। आवाज आएगी बड़े मालिक दे ताबेदार हो बड़े अपने खालिक दे ताबेदार हो गल सुनो ना कदी अपने मालिक दा दीदार भी कीता जे अल्लाह ताला दी ज़ियारत भी कीती जे। ये कहणगे जी नहीं कीती अल्लाह दी ज़ियारत अल्लाह ताला दा दीदार नहीं कीता। मेरे जज्बात कहिंदे ने कहणगे अहले तौहीद अज बड़ी उम्मीद है मौला अपना दीदार करा देणगे तां ही ते मारां खांदे रहे आ दोगां दे ताने सुणदे रहे आ लोगां दीआं गल्लां सुणदे रहे आ कतलां दीआं धमकियां बर्दाश्त करते रहे हैं अल्लाह की तौहीद की वजह करके अज उम्मीद मौला दीदार करा देंगे। आवाज आएगी अगर कैनाप दा रब सारे नूर दे पर्दे हटा के तुहाडे सामने आ जाए ना अल्लाह सोना ते क्या अपने मालिक नू पहचान लोगे अल्लाह दा दीदार करके सियाण जाए कोई मालिक नू। पहले तौहीद कहणगे जी बिल्कुल सियाण लवांगे फौरन पहचान लवांगे यार बड़े अजीब बंदे हो एक पासे कहिंदे हो असीं अल्लाह नू वेखिया ही नहीं एक पासे कहिंदे हो अल्लाह दी ज़ात
ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ? ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਛਾਣ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਬੱਸਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਵੱਲ, ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਦੇਣ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਡਟ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਵਣ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਰੱਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਮੌਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਖਤਾਕਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਤ ਮਨੋਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਬਸ ਮੌਲਾ ਦੁਆਏ ਵੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਸ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ, ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ, ਸਾਥੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਬ ਕਿੰਨੂ ਇਹ ਗੁੱਛੇ ਅੰਗੂਰਾਂ, ਬਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮੌਲਾ, ਗੀਤ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪ ਸਭ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਫਸੀਲੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇ